हेलो गाइस, माय नेम इज सौम्या सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ BHU। और गाइस, मैंने ये चैनल और वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं सभी BHU के स्टूडेंट्स की, क्योंकि गाइस मैंने इसमें सभी, क्योंकि मैं खुद BHU की स्टूडेंट हूँ BA की, तो मुझे समझ में आया जब मैं चैनल सर्च करती हूँ, जब मैं वीडियो सर्च करती हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, नहीं मिलते हैं वीडियोस, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेवेंट वीडियोस मिलते हैं, जो हमारे कंटेंट से रिलेवेंट वैसे वीडियोस हमें नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा, और वो भी जो फर्स्ट ईयर वाले हमारे आए हैं, वो तो कभी कॉलेज मतलब बहुत कम आए, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही उनकी, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके लिए, उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही बट प्रोफेसर्स उतने डीपली उनके प्रॉब्लम और क्यूरीज को नहीं क्लियर कर पाते गाइस, इसलिए मैंने ये वीडियो और चैनल बनाया ताकि मैं आपके एकदम डिटेल में आपको टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ाऊं, पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, चाहे वो पॉल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, उसे कवर करूं गाइस, उसे कवर करके आपको पढ़ाए एकदम अच्छे से, जो भी क्यूरीज आपके दूर हो जाए, और जो भी गाइस आपको जो भी कंटेंट चाहिए, किसी भी सोशियोलॉजी का चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, वो सब मैं आपको हर वीडियो के नीचे उस चैप्टर का PDF दे दिया करूंगी, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि आपको पढ़ा सकूं मैं, पूरा फर्स्ट ईयर कवर हो जाए और फर्स्ट ईयर को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उनका सिलेबस ही इस तरह से पूरा हो रहा है जिससे उसको नॉलेज ही नहीं और उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज हो रही है उनके साथ। और गाइस, दूसरी चीज ये कि मैंने देखा जब मैं खुद कॉलेज गई, तो जितने भी नए नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, अपना एडमिशन करा रहे थे, और बाकी और सब जैसे उनको लाइब्रेरी कार्ड बनाना हो, ID कार्ड बनाना, उनको नॉलेज ही नहीं है, वो बहुत परेशान है, क्या करें, कैसे करें, बुक्स कैसे सर्च करें, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो गाइस, मैं ये सारी चीजें भी बताऊं, स्पेशली मैं ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ BHU, तो VKM के स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली ये बताना चाहूंगी कि वो बुक्स वगैरह कैसे इशू करें और क्या कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लियो तो जाइए ऑफिस में, जाइए अपना ID कार्ड बनवाइए गाइस, बोलिए मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं, मेरा ID कार्ड बनवाना है, तो आपको ID कार्ड इतना बुक के फॉर्म में ID कार्ड देंगे वो छोटा सा, और उसके बाद में फिर आपको फिल करके उसको सबमिट करना, अपना फोटो लगा के, फिर वो स्टैम्प लगा के आपको नेक्स्ट डे दे देंगे, फिर वो आपको मिलेगा, फिर आपका वो पूरा आपका हो जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो आपका ID कार्ड है, वही आपकी आइडेंटिटी है, प्लीज आप संभाल के रखिएगा गाइस। फिर आप जाएंगे लाइब्रेरी जाके आप बोलेंगे मुझे आप लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है मैम। क्या सर? वो आपको लाइब्रेरी कार्ड तो एकदम छोटा छोटा पाउच जैसा रहेगा, उसमें आपकी फोटो लगानी है आपको और सब फिल करना, फिल करके दे देंगे, वो भी आपको साइन करके स्टैम्प करके नेक्स्ट डे गाइस आपको दे देंगे वो। फिर आप उसी कार्ड के थ्रू अपना बुक इशू करवा सकते हैं, जो भी बुक चाहिए। तो गाइस, सब कुछ ऑनलाइन है, लाइब्रेरी में आपके दो कंप्यूटर होगा जिससे आपको अपना बुक सर्च करना है और वहाँ सामने लाइब्रेरी में मांगना, उसको लिख के सारी चीजें। और गाइस, मैं इस वीडियो में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं आपको बताने लगूँ कि कैसे बुक इशू करना है, कैसे ऑनलाइन जाके आपको सर्च करनी है बुक के लिए, और क्या इन्फॉर्मेशन देना है बुक की जिसके थ्रू आपका बुक निकलेगा, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी गाइस। और मैं आपको बता दूं, जो कोर्स की बात मैं फर्स्ट ईयर की कर रही थी, उसमें आपको स्टार्टिंग में कैसे वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, आपको PDF भी चाहिए उसका कंटेंट का, और उसमें वीडियो में आपको कैसे बताऊं ये सब चीजें, और आपको कैसे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पहले सोशियोलॉजी पे चाहिए कि हिस्ट्री पे चाहिए कि पॉल साइंस पे, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा गाइस, और ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट मेरे साथ है। और लास्टली गाइस, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली VKM के स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया गया है सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी का जो प्रोजेक्ट दिया गया है गाइस, उसमें टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और दूसरा पेपर का टॉपिक है पुरुषार्थ। अगर उन दोनों टॉपिक में गाइस दोनों टॉपिक को ना समझ में आए, तो हम पहले उन दोनों टॉपिक को आपको एक वीडियो बना के समझा देंगे उसको भी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी आपसे रिलेटेड, सब आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे पता चले गाइस। और ये जैसे बुक देखिए, CN शंकर राव की सोशियोलॉजी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपको ऑनर्स है तो आप जरूर ले लें इस बुक की बुक को, लेकिन अगर आपको ऑनर्स नहीं है तो गाइस मत लीजिएगा, क्योंकि आपके फिर वो बहुत महंगी बुक है, वो 600 कुछ की बुक है, फिर आपका वेस्ट हो जाएगा गाइस, आप जो ऑनर्स वाले हैं उनसे करा लीजिएगा, ठीक। तो ये बुक है CN शंकर राव सोशियोलॉजी वाले, आप प्लीज इसे ले लीजिएगा। पॉलिटिकल वाले OP गवर ले लें, अगर वो इजिली अगर हार्ड लैंग्वेज इंग्लिश की पढ़ सकते हैं तो, नहीं तो एक पॉलिटिकल थ्योरी की बुक आती है वो ले लें। और गाइस, जैसे आपको हिस्ट्री के लिए RS शर्मा ले सकते हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। और RC मजूमदार में ज्यादा कंटेंट मिल जाएंगे, पर मे बी वो फ्यूचर में कंटेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के उतनी काम नहीं आती, पर RS शर्मा काम आएगी आपको, उसमें भी सारे कंटेंट है लगभग, पर RC और मजूमदार में ज्यादा कंटेंट है। पहले तो जिसका ऑनर्स है वो बुक परचेज कर ही लो,
जैसे आपको हिस्ट्री आना चाहिए तो हिस्ट्री की बुक परचेस कर ही लो, बाकी कोर का आप लाइब्रेरी से इश्यू करा लेना, फोटो कॉपी करा लो या हमसे मांग लो कमेंट करके, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी नीचे। आप कमेंट करना मेरे को, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दूंगी जो जो आप मांगे रहोगे हमसे। और पूरा जो सिलेबस है वो भी मुझे कवर करना है, तो प्लीज आपको क्या चाहिए, कैसे वीडियोस चाहिए, मैं सिलेबस कैसे कवर करूं, पहले क्या पढ़ाऊं मैं आपको, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, अभी रिसेंट में आपको क्या क्यूरीज हो रही है, सब बताइए। और वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल आऊंगी कि लाइब्रेरी में बुक्स कैसे सर्च करना है, ठीक है। और भी छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो सब मुझे बताएं। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरी शुरुआत है इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेकार है गाइस, इसके बाद में और इम्प्रूव करूंगी इस क्वालिटी को, और आपको पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड भी लगवा दूंगी। बस आप कमेंट करिए कि आपको पढ़ना है कि नहीं, आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव है वो वर्थ इट है या नहीं, इसका कोई वैल्यू है या नहीं। सब कुछ अगर मुझे पता चलेगा सच में आप मेरे साथ हैं तो मैं इसकी वीडियोस अच्छे से पूरी वापस सिलेबस कवर करके, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे ले सकते हो कहीं की भी, आप बस कमेंट करो लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके गाइस। तो लाइक गाइस यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।